मैंने जिक्र किया, लेकिन उसके जवाब में आपने कहा, तो उनका जो लेख है साइलेंस ऑफ द दियोबंदी लैम्स, जिसमें कुल मिला के वो जो बात कह रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं, वो ये कि दियोबंद दिखाता कुछ है, कहता कुछ है, अंदर खेमे में करता कुछ है। कि जब, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं जब दियोबंद गया था, तो हम लोगों को तमाम जो चीज़ें दिखाई गई, उसमें कंप्यूटर की पढ़ाई भी दिखाई गई, अंग्रेज़ी की तालीम भी पढ़ाई गई, लाइब्रेरी में भी लेके गए, जहाँ तमाम तरह की किताबें थी जो कि केवल इस्लामिक सोच या कट्टर सोच से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, मैं फ्लाइट का जिक्र कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये देखिए, ये दिखाने का है, करने का कुछ और है। तो इसी को लेकर आपने कहा, ये चिंता कहाँ से आती है, क्यों आती है, सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में। 75 साल हो गए आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले का मैंने जिक्र कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ, अभी कश्मीर का मामला हुआ था, तो अकेली ये जमीयत उलमा हिंद ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये कहा कि हम बावजूद इसके कि हम एग्री नहीं करते हैं इस तरह से 370 हटाए जाने को, आज भी मैं कहता हूं जिस तरह 370 को हटाया गया कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, हम इससे एग्री नहीं करते हैं, उसके बावजूद मुल्क के साथ खड़े। अभी अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं हुई, 2 साल हुए हैं। हमें तो आइसोलेट करके डाला गया है ना, इस वक्त आइसोलेशन से गुजर रहा है इंडिया का मुसलमान, और अपनी पूरे 100 साल नहीं और जितने 100 साल की जिंदगी हो, ऐसा आइसोलेशन मुसलमानों के साथ कभी नहीं हुआ होगा जैसा इस वक्त है, और जिस तरह के फीलिंग्स से मुसलमान गुजर रहे हैं, और वो फीलिंग आप क्या समझते हैं कि मेरे पास नहीं होगी, मेरे पास उससे ज़्यादा फीलिंग है जिस फीलिंग से मेरा जवान गुजर रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक एजेंडा है, उनको एक चीज़ हासिल करनी है, वो ठीक है, वो उस स्टैंड पर है, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बड़े आदमी हैं, हम तो छोटे से लोग हैं। कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है, अब्बा जान से लेके, चाचा जान से लेके, अम्मी जान से लेके, भाई जान से लेके, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में जो माहौल बनने वाला है उसको लेकर, और जो जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है उस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो जो कैंपेनिंग हो रही है, मैं उसको न कह करके एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो लोग सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, वही लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मुद्दों को पर बहस करने के बजाय, जिन मुद्दों पर बहस करने के बजाय कम्युनिटीज़ को बांटकर, एलिनिएट करके, फला करके पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की बात करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि राष्ट्र के साथ विश्वासघात करने का तरीका क्या होगा, कौन से तरीके होंगे जिनसे ये पता चले कि विश्वासघात किसे कहते हैं। सेट कर लीजिए कि किन किन चीज़ों को विश्वासघात कहा जाएगा, अगर मुल्क में बसने वाले लोगों को इस तरह से बांट दिया जाएगा, तो ये राष्ट्र के साथ क्या विश्वासघात की श्रेणी में नहीं आता है? पता नहीं, मैं उसको, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैंने पॉलिटिक्स करी है, लेकिन अभी इस नतीजे पे हूँ कि भैया अपने दूसरे काम कर लें, इससे दूर। क्या आपको लगता है कि चुनाव विकास के नाम पे लड़ा जाएगा, या आपको आशंका है, या ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा जाएगा चुनाव? लड़ा तो जाना चाहिए विकास ही के नाम पे, लेकिन लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच जाएगा ये कुछ पता नहीं है। अभी तक तो ऐसा ही है कि विकास मुद्दे के तौर पर कहीं कहीं सुनाई तो ज़रूर देता है, लेकिन लड़ाई जब होती है तो वो बेचारा मुसलमान ही बचा है। आसान होता है ना मुद्दे, बाकी मुद्दों के ऊपर बहस करेंगे तो बताना पड़ेगा ना कि बेरोज़गार कितने हैं, बेरोज़गारी की, नए रोज़गार जनरेट करने के बजाय रोज़गार छूट कितने रहे, फलाएँ फलाएँ। मैं चूँकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, दिमाग उस पर ज़्यादा नहीं चलता।